Captain, hey. You are captain? No, sir, I can't be captain because I'm the worst. बस आ गई, finally बस आ गई, bye. Guys, it's Vivek Bhardwaj. और आज कॉलेज की आज भी छुट्टी है संडे को, पर हमने जाना है क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह खेलेंगे, कुछ गोल्फ वगैरह है और एक रॉक क्लाइंबिंग, मतलब ऐसी वेली पंती करने जा रहे हैं. क्या बढ़िया लग रहा है, ऐसी आया था बाहर, ठंड लग रही है. हाँ, मैंने बनाया अपना ऑमलेट, बियर भी खा लिए, फिर खा पी के हम जाएंगे कॉलेज. फाइनली घर से निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं कॉलेज. 11:30 की बस है अपनी, वही रोज की तरह 10-15 मिनट खड़ा पड़ेगा. नहीं, अभी अभी जाते टाइम में खड़ा होना पड़ता, 11:30 है तो हम 11:25 पर निकल गए, 5 मिनट खड़ा होना पड़ेगा. फिर लक्ष्य भी शायद घर आ जाएंगे, मैं शायद से रुकूंगा या आके फिर दोबारा जाऊंगा क्योंकि रात को सॉकर है. बस भैया तो आएंगे 7 से 10 तो मैं खेल लूँगा. अगर क्रिकेट नहीं हुआ तो सॉकर खेल लूँगा, क्रिकेट हुआ तो क्रिकेट खेल लूँगा, कुछ तो खेल ही लेंगे घर बैठे अगर ना. फाइनली भाई कॉलेज में आ गए हैं, ये है अपना कंप्यूटर रूम, कोई भी आके अपना साइन कर सकता है और काम करो अपना. ये सीटिंग एरिया है, सारे बैठ जाओ और मतलब बैठ के काम वाम कर लो, असाइनमेंट्स करो, कुछ खाने वाने को बना खा लो, लंच वंच. ये मतलब वेटिंग बटन्स वगैरह जो ले सकते हो. ये वेंडिंग मशीन लगा रखी है, ये सारे लॉकर हैं. वहाँ सारे, ये सारे लॉकर्स अपनी जैकेट वगैरह रखने के लिए, विंटर जैकेट, बूट्स वगैरह, क्योंकि सब लेके तो पहन के अंदर तो गर्मी है ना तो उतारना पड़ता ही है, तो इसलिए मैंने भी ले रखा है. $12 का है, एक सेमेस्टर का मिलता है $12 पे लॉकर ले रखा है मैंने. ये पूरे इवेंट्स वगैरह के लिए लगा रखे, कौन सा कब होगा. ये फिर सिटिंग एरिया, ये हार पीस के लिए, ये वेंडिंग मशीन वगैरह, ये पूरा सिटिंग एरिया, बाहर भी जाके बैठ सकते हैं. ये टीम ऑटन्स है, ऊपर भी जगह बैठने के लिए, मतलब वेले बैठते रहो. बाहर भी है सिटिंग एरिया पूरा, ये क्लासरूम वगैरह है, ये वेंडिंग मशीन लगा रखी है. उधर सी है, हमें जे में जाना है बाहर. ऐसे बिल्डिंग चेंज हो गई, ये बी थी, अब वहाँ जे में जिम, जहाँ पे हम जाएंगे गोल्फ वगैरह खेलेंगे. कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है. ये पूरा बना रखे हैं, बाहर है ये गेम्स रूम है, पूल वगैरह खेलने के लिए. अभी तो बंद है, आज संडे है इसलिए ये बाहर वगैरह. ये फिर सीटिंग एरिया आ गया, यहाँ पे हम करेंगे रॉक क्लाइंबिंग. ये बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल बास्केटबॉल दोनों, और ऊपर जिम है. फिर मैं आ गया, अपनी जैकेट वगैरह रख दी सारी, बैग वैग, हम जा रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग करने. पाँच 1 घंटे ये करेंगे, उसके बाद 1 घंटे की गोल्फ है, फिर उसके बाद देखते हैं. भाई फाइनली रॉक क्लाइंबिंग पे आ गई है, लक्ष्य ने कर लिया, मेरी बारी. मज़ा आ रहा है भाई करके, इसके बाद 1 घंटा गोल्फ भी खेलेंगे. संडे संडे लग रहा है, फाइनली रॉक क्लाइंबिंग कर लिया, अब हम गए गोल्फ खेलने. थोड़ा उधर होके मारना होता है दूर, शायद 67 yards. मेरी बात मोर हिट हिट इन द एयर बिकॉज़
फाइनली गोल्फ डन और वो भी डन, क्या नाम है, रॉक क्लाइंबिंग। अब हम शावर लेने की सोच रहे हैं पर नहीं ले रहे हम, इन्होंने पूरा शावर के लिए ना रखा है, जिम के बाद कर सकते हैं। हम तो जिम करें नहीं, तो हम नहीं ले रहे, अब हम बस घर जाएंगे या थोड़ा घूम लेंगे, पता नहीं। फिर रात को आएंगे सॉकर खेलने, मतलब मैं आऊँगा, ये नहीं आएंगे, या आएंगे पता नहीं, तो खेलते हैं। 43 मौसम देखो, इतनी दिख नहीं रही पर बर्फ हो रही है। घर पर आते हैं भाई, हमने बनाया है अपना पनीर के परांठे, वेले पनीर बचा था, तो पनीर का सैंडविच, दो ब्रेड, कल रात की ग्रेवी बची हुई है चिकन की, हमारा लंच। इसे दिन बाद में लंच कर रहा हूँ, मतलब आज बहुत भूख लग रही है क्योंकि वो रॉक क्लाइंबिंग वगैरह करी, थक गया बड़ा भाई। अब खाना भी ना खा के कुछ देखेंगे, कुछ काम वाम हुआ तो नहीं, वैसे तो कुछ है नहीं। फिर रात को 7 से 10 सॉकर खेलने जाएंगे, शायद से जाऊँगा, पता नहीं, मन नहीं कर रहा वैसे, मन करेगा तो तब चले जाऊँगा। भाई फाइनली घर से निकल गए दोबारा कॉलेज के लिए, हम जा रहे हैं सॉकर खेलने। असाइनमेंट वगैरह जितनी हुई थी सारी कर ली, अब 7 बज रहे हैं, अभी 7 से 10 खेलेंगे सॉकर, फिर 10 बजे के बाद अपना स्टार्ट होगा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट। 10 से 1 हमारी लास्ट बस दिखेंगे हम कितने बजे तक घर की, अगर 11 या 11:30 तक बस आती होगी तो हम 1 घंटा 1.5 घंटा बास्केटबॉल या क्रिकेट में से कुछ और खेल लेंगे। एंकल लगाओ, भी आ गए हमारे, मैं क्या करूं जूतों का, एक तो कुछ तो पकड़, उसमें नहीं आएगा, दो जैकेट पकड़ ली ना, उसमें नहीं आएगा, तो ये जूते कहाँ रखोगे, कहीं ना कहीं रखूंगा, अभी इसमें रखने थे मुझे, अभी वो लॉकर में रखने हैं, अभी ऐसे पकड़ के चलूं। कर दी बड़ी देनार दी, वो हाथों कहाँ गया, आपको क्या चाहिए, बैग में है, बैग में कहाँ है, ये रहा ना, जल्दी चलो भाई, लेट हो गए, हम भी खेलेंगे अब, हम दोनों सेम टीम में, इज आर कैप्टन, यू आर कैप्टन, नो सर आई कैन बी कैप्टन बिकॉज़ आई एम द वर्स्ट, दैट डू लुक लाइक नीमो, ही कैन बी द कैप्टन, आई विल लेट यू, आई विल ग्रांट यू द कैप्टन, लुक एट इट नाउ, ही इज रेडी, डोंट शूट, व्हाट द फक, यू गॉट टू शूट, पास इट बैक, नाइस शूट। खत्म हो गए, हमारे साथ आ गए हमारे बॉस, गॉड आ गए, गॉड आदमी आ गए हैं, बिरयानी लेके भाई, शेफ बना रखा तुमने, बैंक फुटबॉल में रहता क्या, जब तुमने मेरे लिए खाना मुझे बर्तन दिया था मुझे पूरे, पता नहीं कच्चा चिकन है कि पका चिकन है, मैं तो बस आराम से बना, एक बस खत्म कर लिया, अब हम आए फुटबॉल बास्केटबॉल खेलने, बाउंस नहीं है, चेंज करो, इट्स नॉट बाउंसिंग दैट, यू वांट मी टू बंप इट, आई हैव टू रिप्लेस इट, ओके, नंबर 14, थैंक यू, फाइनली गेम पूरी कर ली, बास्केटबॉल खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया और फुटबॉल भी खेल लिया, क्रिकेट नहीं खेले अभी, टाइम है मतलब उसमें फिर लेट हो जाएंगे, कल क्लास भी 9 बजे, तो बस अब घर जा रहे हैं, 9:30 बज रहे अभी, तो घर जाके हम सो जाएंगे, खाना हमने खा लिया, वो ले आए थे संदीप भैया चिकन बिरयानी, अब हम घर जाके बस आइसक्रीम खा गए, गुड नाइट, फिर सुबह फिर से ग्राइंड अपना स्टार्ट पढ़ाई का, ये सही है, पूरे हफ्ते पढ़ लो अच्छे से, मेहनत मेहनत करो फिर अपना खेलो खुदो, पानी पीना यार, टीमी टीमी, ये सारे हम यहाँ पे आएंगे
देखने रेसलिंग रेसलिंग वाला है और ये तो सब फालतू का ये पूरा मैप बना रखा है डी ब्लॉक के डी ब्लॉक सिर्फ डी ब्लॉक के लिए कि कौन सी क्लास कहाँ पे है तबड़ा कॉलेज है घूम ही हो जाए बच्चे ये अब बी में एंट्री हो रही है तो ये सारी डी की क्लासेज है डी वो भी डी ये भी डी अब यहाँ पे डी कहता हूँ अब बी स्टार्ट ये सारा वहाँ पे सेक्स ट्रिविया है 17 को चेस है फैंसो गॉट टैलेंट अब ये सारी बी क्लासेस स्टार्ट हो गई मेरा लॉकर है यहीं कहीं आसपास ही है मेरा लॉकर फिर से पानी पियेंगे हमने ले ली भाई गलत बस अब हम आ रहे हैं बहुत दूर मतलब रात को 10:30 है और हम अभी तक घर नहीं पहुंचे हम 9 के निकले हैं कॉलेज से नहीं 9:30 के पता नहीं कहाँ पे आ गए हम हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है अब यहाँ से 15 वॉक दिखा रहा है और अगर 15 मतलब 15 जो वॉक दिखा रहा है वो हमें आधा घंटा लगेगा पहुँचने में और अगर हम 15 में नहीं पहुँच पाए तो बस मिस हो जाएगी 10:30 वाली और नहीं 10:45 वाली और फिर अगली बस आएगी सुबह 6 चलो फिर 13 में पहुँचना है बस आ गई फाइनली बस आ गई भाई हमारी बस आ गई पैदल ही जाना पड़ेगा मजा आ गया